हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंडियन देसी किचन पे। सर्दियां हो और गाजर का हलवा ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज हम बनाएंगे इंस्टेंट गाजर हलवा। घर पर हो मेहमान तो आप इस रेसिपी से झटपट गाजर का हलवा बना सकते हैं। मैंने ली है 2 किलो गाजर, उसे छीलकर धोकर अच्छी तरह से गोल गोल कट कर लिया है। अब हम लेंगे कुकर, कुकर में 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे, सारी गाजर उसमें ऐड करेंगे और गाजर को जब तक भूनेंगे तब तक की गाजर अच्छी तरह से पक नहीं जाती। देखिए गाजर ने एकदम अच्छा रंग पकड़ लिया है और वह अच्छी तरह से पक भी गई है। 2 किलो गाजर है तो मैं इसमें ऐड करूंगी 2 ग्लास दूध। अगर आप 1 किलो गाजर का हलवा बना रहे हैं तो उसमें 1 ग्लास दूध ऐड कीजिए। कुकर को लगाएंगे ढक्कन और 4 विसल आने तक पकाएंगे। अब हम इसे 10 से 15 मिनट तक हाई फ्लेम पे उबालेंगे जब तक कि पूरा दूध जल नहीं जाता। देखिए दूध लगभग जल चुका है। अब मैं सारी गाजर को अच्छे से मैश करूंगी। मैंने गाजर को पूरी तरह से मैश कर लिया है। अब हमें इसे लगातार 10 मिनट तक चलाते रहना है जब तक कि साइड से घी छूटना चालू ना हो जाए। साइड से घी छूटना शुरू हो गया है। 2 किलो गाजर में मैंने ली है 250 ग्राम शक्कर। अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो 50 ग्राम शक्कर और ऐड कर सकते हैं। शक्कर को पूरी तरह घुलने दीजिए और 10 मिनट तक पकाइए। देखिए हलवे ने बखूबी रंग पकड़ लिया है और शक्कर ने भी घी छोड़ दिया है। हमारा हलवा बनकर तैयार है। इसे मैं एक बाउल में निकालूंगी और काजू किशमिश बादाम के साथ सजाकर सर्व करूंगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय बाय।